बहन जी, आप ऐसे मंदिर में नहीं जा सकती हैं। हाँ, नहीं जा सकती मतलब? आप अपने वस्त्र देखिए पहले, आप ऐसे मंदिर में नहीं जा सकती हैं। क्यों, क्या प्रॉब्लम है मेरे इन कपड़ों में? मंदिर के भीतर पूरे वस्त्र में और सर पे चुन्नी लेके प्रवेश किया जाता है। आप होते कौन है मुझे बताने वाले कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? आपको समझ नहीं आता क्या, आप ऐसे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। आप कौन होते हैं ये सब रूल बताने वाले मुझे? हाँ, हमारे मंदिर का यही रूल है, आप जाइए। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या, क्यों मुंह बना रखा है? वो मंदिर का पंडित बोलता है आप ऐसे कपड़ों में मंदिर के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। अच्छा, पर क्यों? वो होता कौन है मुझे ये बताने वाला कि मुझे मंदिर के अंदर क्या पहनना चाहिए क्या नहीं? मेरी जो मर्जी मैं वो पहनूं, उसे क्या? तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो उस पंडित को सबक सिखाने। अच्छा, पहले तुम मुझे एक बात बताओ, जब हम क्लब जाते हैं तो वहां भी तो हमें बोलते हैं कि वेस्टर्न कपड़े पहन के आओ, तो हम पहन के जाते हैं ना, हम मना तो नहीं करते? और बहुत सारे रेस्टोरेंट भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में चप्पल में एंट्री नहीं है, जूते पहन के आओ, तो हम जूते भी पहन के जाते हैं। तो अगर पंडित जी ने ये बात बोल दी कि मंदिर में इंडियन कपड़े पहन के आओ, तो पहन के चले जाओ ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्लब में तो तुम ये नहीं बोलती कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, चुपचाप पहन लेती हो जो वो कहते हैं। जिस जगह पे जा रहे होते हैं वैसे ही कपड़े तो पहनते हैं हम, जैसा देश होता है वैसा ही तो भेष पहनना पड़ता है हमें, और हम तो इंडिया में रहते हैं, इंडियन कपड़े तो पहनेंगे ही। तो पंडित जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला, तुम जो भी बोला ना एकदम सही बोला कि मंदिर जाओ तो भारतीय कपड़े पहन के जाओ। अब एक काम करो, जाओ सूट या साड़ी पहनो और फिर जाओ। मैं कुछ बात बहुत सुंदर है, अब जाओ।